कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने टीम इंडिया के नए हेड कोच के नाम की घोषणा कर दी। वर्तमान में हेड कोच रवि शास्त्री को एक बार फिर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शास्त्री का नया कार्यकाल 2021 T20 विश्व कप तक रहेगा। BCCI के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में CAC के अध्यक्ष कपिल देव और अन्य सदस्यों, पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ तथा शांता रंगासामी ने शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी 6 उम्मीदवारों का हस्ताक्षर लेने के बाद रवि शास्त्री के नाम पर मुहर लगाई। इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों में रवि शास्त्री के अलावा रॉबिन सिंह, लालचंद राजपूत, माइक हेजन, टॉम मूडी और फिल सिमंस शामिल थे। रवि शास्त्री ने भारत के लिए 80 टेस्ट और 150 वनडे खेले हैं। इसके अलावा वह पिछले 3 वर्षों से टीम इंडिया के हेड कोच भी हैं। इसके पहले भी वह करीब 2 वर्ष तक टीम इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रवि शास्त्री की निगरानी में भारतीय टीम को ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में कई बार हार का सामना करना पड़ा। 2016 के T20 विश्व कप सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के हाथों हार और 2019 के वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार प्रमुख हैं, लेकिन उनकी निगरानी में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा किया। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने भी रवि शास्त्री को कोच बनाए रखने का पुरजोर समर्थन किया था।